हेलो एंड वेलकम ऑन विषय अकेडमी डॉट कॉम। मैं हूँ विनय सिंह और हम पढ़ने वाले हैं सी एस एस कोड स्ट्रक्चर। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ नोट पैड प्लस प्लस एज माई टेक्स्ट एडिटर और मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर रहा हूँ मेरी सी एस एस डायरेक्ट्री में, स्टाइल डायरेक्ट्री में कोड अंडर स्कोर एस डॉट सी एस एस नाम से। जब भी आप कोई इंडिविजुअल सी एस एस डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको उसका एक्सटेंशन डॉट सी एस एस देना ज़रूरी होता है, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस आपके द्वारा दिए गए नाम में स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए अंडरस्कोर को छोड़कर, ठीक है। एंड डॉट सी एस एस एक्सटेंशन ज़रूरी होता है। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक सी एस एस डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सी एस एस डॉक्यूमेंट से इसे सेव किया और यहाँ पर लिखा रहा है कास्टेड स्टाइल शीट फाइल, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एस एस डॉक्यूमेंट। ये कमेंट है, कमेंट शुरू करने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश सिंबल और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल एक साथ लगाना होता है, और कमेंट क्लोज करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश सिंबल लगाना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट होता है। देन इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसे ब्राउज़र रीड नहीं करता है और आपकी वेब पेज की बॉडी में भी शो नहीं करता है, ठीक है। कमेंट्स केवल डिज़ाइनर्स के लिए होते हैं या उनके लिए होते हैं जो उस कोड को रीड करने वाले हैं, और ये कमेंट ये बताते हैं कि जो आप कोड पढ़ रहे हैं वो किस एलिमेंट से या किस पेज से या किस डिज़ाइन से बिलोंग करते हैं। अब हम शुरू करते हैं सी एस एस कोड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्टर्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सी एस एस कोड ब्लॉक का। सेलेक्टर लिखने के बाद आपको दो ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, पहला होता है ओपन कर्ली ब्रैकेट, दूसरा होता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं मंजिला कोष्ठक, ठीक है। इन मंजिला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपको लिखना होता है आपका सी एस एस कोड, और सी एस एस कोड में आपके लिखते हैं, आप लिखते हैं स्टाइल जो आप डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज से एंड वैल्यूज से, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को आपको कॉलन सिंबल से सेपरेट करना होता है। कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पर प्रॉपर्टी लिखना होती है जो आप देने वाले एलिमेंट को, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप लिखते हैं कॉलन के राइट हैंड साइड पर, ठीक है। किसी एक कोड ब्लॉक में आप जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दे सकते हैं, इस तरह। कंडीशन केवल इतनी होती है कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू एंड होने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करना होता है सेमी कॉलन सिंबल से, ठीक है। अगर आप सेमी कॉलन सिंबल नहीं लगाएंगे तो ये एक तरह का एरर होगा और आपके कोड में स्टाइलिंग में प्रॉब्लम शो हो सकती है। सो जब हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखते हैं तो प्रॉपर्टी को लिखते हैं कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पर और वैल्यू लिखते हैं कॉलन के राइट हैंड साइड पर, ठीक है। वैल्यू लिखने के बाद आप सेमी कॉलन सिंबल से उस प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं और अगली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स की। कर्ली ब्रैकेट को हम कोड बाइंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आने वाला जितना भी कोड होता है इनको आपस में बाइंड कर देते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं कोड का, जिसे हम कोड ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। सो सिंपली एक ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ जो कोड होता है, जितनी प्रॉपर्टी इन वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कोड ब्लॉक या प्रॉपर्टी ब्लॉक या स्टाइल ब्लॉक, ठीक है। इस कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है सेलेक्टर के द्वारा। सेलेक्टर कोड ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटर होते हैं जो आपके किसी कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी एस एस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सी एस एस सेलेक्टर्स एक्चुअली कोड ब्लॉक रिप्रेजेंटेटर होते हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम किसी सी एस एस कोड ब्लॉक को किसी एच टी एम एल एलिमेंट से लिंक करते हैं और एच टी एम एल एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हर सी एस एस कोड ब्लॉक के साथ डिफाइन करना ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी सी एस एस कोड ब्लॉक के साथ सेलेक्टर नहीं लिखा है तो वो कोड ब्लॉक बिल्कुल यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि सी एस एस सेलेक्टर का यूज़ करके ही हम किसी कोड ब्लॉक को किसी एच टी एम एल एलिमेंट से लिंक करते हैं। अगर सेलेक्टर नहीं है तो हम उसे लिंक नहीं कर पाएंगे, और लिंक नहीं कर पाएंगे तो वो यूजलेस है, ठीक है। सो सेलेक्टर लिखना ज़रूरी होता है हर कोड ब्लॉक के साथ में। तो आप इस तरह किसी सी एस एस डॉक्यूमेंट में जितने चाहे उतने कोड ब्लॉक बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। सेलेक्टर्स को लिखने के लिए या डिफाइन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो इस तरह हैं। सबसे पहला रूल होता है कि जो सेलेक्टर्स होते हैं उनका नाम अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, ए बी सी डी से के किसी अक्षर से, ठीक है। नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए या किसी सिंबल से शुरू
नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी अल्फाबेट कैरेक्टर से शो होना चाहिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसे, ठीक है। देन सिलेक्टर के नाम में अंडरस्कोर के अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं होना चाहिए। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि स्पेस जो होता है ये भी स्पेशल कैरेक्टर होता है। सो अगर आप नाम दे रहे हैं सिलेक्टर का इस तरह का, सेलेक्टर नेम, सो सेलेक्टर नेम में आपने सेलेक्टर और नेम के बीच में स्पेस दिए, सो ये गलत होगा, एरर होगा। अगर आप सेलेक्टर और नेम को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में आप नंबर्स का भी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सेलेक्टर वन नेम या सेलेक्टर अंडरस्कोर वन, इस तरह से, ठीक है। सेलेक्टर के नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो जहाँ तक हो सके आप सेलेक्टर का नाम डिफाइन करते समय लोअर केस लेटर्स का यूज़ करें, चाहे तो अपर केस का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करना होगा कि आपने कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा है, कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखा है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। और CSS जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, स्पेशली सेलेक्टर्स के मैटर में, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल S सेलेक्टर अंडरस्कोर वन, और आपने ऐसा ही एक और कोड ब्लॉक बनाया, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने दिया है स्मॉल सेलेक्टर वन, तो ये दोनों अलग अलग सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप बाद में कॉल करते हैं तो आप स्मॉल वाले को कॉल कर रहे हैं या कैपिटल वाले को, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है। सो अगली प्रॉपर्टी यही है कि आप जब भी सेलेक्टर का नेम दें तो वो यूनिक दें, ताकि आप उसे पहचान पाए और कोड ब्लॉक में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देन इनकी लेंथ जो होती है वो आप चाहे तो जितनी बड़ी देना चाहे उतनी बड़ी दे सकते हैं, लेकिन ऑन स्टैंडर्ड लेवल इनकी लेंथ मैक्सिमम 8 to 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा टाइम भी ना लें और ज़्यादा साइज भी ना लें, ठीक है। सो इस तरह हम सिलेक्टर्स लिखते हैं। सिलेक्टर के लिए कुछ रूल्स ये होते हैं जो मैंने आपको बताएं एक बार ब्रीफली। सिलेक्टर्स कोड के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, जिनके ज़रिए हम किसी HTML एलिमेंट को लिंक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं कोड बाइंडर्स, जो किसी कोड ब्लॉक को बनाने का काम करते हैं, और ये होती है प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़ जो हम किसी HTML एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये था CSS का कोड स्ट्रक्चर। आगे जानते हैं CSS के सेलेक्टर्स को इम्प्लीमेंट करने के तरीके को और भी बहुत सारी बातें। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइबर्स, लाइकर्स, बाय बाय, टेक केयर।